हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपने हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। तो एब्स्ट्रैक्शन और प्रेसिपिटेशन हमारा होता क्या है दोस्तों? तो एब्स्ट्रैक्शन का मीन है यहाँ पर दोस्तों क्या, लॉस, लॉस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। यहाँ एब्स्ट्रैक्शन का मीन क्या है दोस्तों? यहाँ होने वाला है इसका मीन लॉस, लॉस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। अब हुआ क्या दोस्तों कि हम जो यहाँ पर लॉस डिसाइड करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सरफेस डिसाइड करते हैं। तो हम मानते हैं कि भाई जो हमारा रन ऑफ वाटर है, रन ऑफ वाटर आपको पता होगा, जो बहता हुआ पानी है जो हमारी अर्थ सरफेस पर बह रहा है, उस पानी को छोड़कर सारा जितना पानी है जो प्रेसिपिटेशन से नीचे आया, बारिश के थ्रू नीचे आया है, वो क्या होने वाला है? वो हमारा लॉस कहलाने वाला है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या है, व्हेन प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस ऑन लैंड सरफेस, ऑल द वाटर एक्सेप्ट रन ऑफ वाटर आर कंसिडर एज लॉसेस एंड दैट वाटर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेसिपिटेशन। तो बारिश हुई या बारिश के बाद जो हमारा पानी बह रहा है, हम कह सकते हैं जो रन ऑफ वाटर है, उस वाटर को छोड़ के सारा पानी कैसा होने वाला है हमारा? सारा पानी हमारा लॉस होने वाला है। अब देखते हैं लॉस क्या हो सकते हैं। तो इसमें टोटल 6 तरह के लॉस हो सकते हैं, जिसमें पहला इंटरसेप्शन, दूसरा एवेपोरेशन, तीसरा ट्रांसपिरेशन, चौथा इनफिल्ट्रेशन, पांचवा डिप्रेशन स्टोरेज और छठा वाटर शेड लीकेज। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरसेप्शन होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इंटरसेप्शन का मीन है वाटर कहीं स्टोर हो गया है। वाटर क्या हुआ, मान लीजिए वाटर कहीं स्टोर हो गया। अब स्टोर कैसे हो गया, मान लीजिए क्या थी मेरी अर्थ सर्फेस थी, ऊपर क्या ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पेड़ हो सकता है कोई। तो क्या हुआ, जब बारिश हुई तो कुछ पानी हमारा, मान लीजिए यहाँ से क्या हुई, बारिश हुई, कुछ बारिश हुई तो क्या हुआ, ये पानी मेरा यहाँ स्टोर हो गया, कुछ पानी इस यहाँ पर इस पेड़ पर स्टोर हो गया। तो जितना भी पानी जो मेरा स्टोर हुआ है दोस्तों, वो क्या कहलाने वाला है, वो कहलाएगा मेरा इंटरसेप्शन। ठीक, अब इंटरसेप्शन क्लियर हो गया आपको। अगला आता है क्या, इवेपोरेशन। अब मान लीजिए इस बिल्डिंग पे कुछ पानी क्या हुआ, स्टोर हुआ, कुछ पानी यहाँ भी स्टोर हो गया, तो क्या होगा, इसका इवेपोरेशन होगा सनलाइट की वजह से। तो जो इसका इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन पता होगा आपको क्या हुआ, वाटर हमारा क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वाटर जो है हमारा किस में चेंज होने वाला है, वो हमारा मॉइस्चर में चेंज होकर, वो सॉरी वाटर वेपर्स में चेंज होकर फिर से एटमोसफेयर में चला जाएगा। हम कह सकते हैं भाई इवेपोरेशन भी हो गया। अगला है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है दोस्तों, जो इवेपोरेशन की प्रोसेस अगर वो हमारे प्लांट्स या ट्रीज के थ्रू हो रही है, इवेपोरेशन की प्रोसेस अगर प्लांट या ट्रीज के थ्रू होगी तो क्या कहलाती है, वो कहलाती है ट्रांसपिरेशन। ठीक, ये 3 चीज हो गई। अगला इनफिल्ट्रेशन। अब मान लीजिए सॉइल थी, सॉइल क्या थी, बहुत सूखी थी, इसके बाद बहुत टाइम बाद बारिश हुई, तो क्या हुआ, ये मान लीजिए बारिश हुई तो पानी इसमें स्टोर तो होगा, साथ में क्या होगा, पानी सॉइल भी तो एब्जॉर्ब करेगी। जो पानी हमारा सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इनफिल्ट्रेशन। या हम कह सकते हैं जो वाटर हमारा अर्थ सरफेस पे था वो कहाँ चला गया, वो अर्थ के नीचे चला गया, सरफेस के नीचे जाने लगा, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा इनफिल्ट्रेशन। अगला आता है हमारा क्या, डिप्रेशन स्टोरेज। हमारी कोई अर्थ की सरफेस है वो कैसे होती है, वो अंडुलेटेड है। मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा हुआ, फिर यहाँ एक छोटा सा गड्ढा हुआ, यहाँ से ऊंची है, यहाँ से छोटा सा गड्ढा हुआ, इस तरीके से है। अब ऊपर से ऊपर से बारिश हुई तो क्या होगा, कुछ पानी यहाँ अटक जाएगा, कुछ पानी यहाँ अटक जाएगा, यहाँ तो नहीं अटकेगा लेकिन कुछ पानी यहाँ अटक जाएगा। जो पानी हमारा अंडुलेशंस की वजह से हमारी अर्थ सरफेस में ही रुका रह जाता है, बह नहीं पाता, रन ऑफ नहीं हो पाता, वह कहलाता है, वो कहलाता है हमारा डिप्रेशन स्टोरेज। ठीक दोस्तों, डिप्रेशन स्टोरेज। अब आता है हमारा क्या, वाटर शेड लीकेज। अब ये थोड़ी समझने वाली वो चीज़ है, इसे देखिएगा। तो वाटर शेड लीकेज क्या है हमारा, मान लीजिए ये मेरी सॉइल थी, ठीक है, यहाँ क्या होने वाली है, यहाँ हमारी कोई रिवर होने वाली है, ठीक, ये क्या है दोस्तों, मान लीजिए लेक है, ये क्या है, लेक है, ऐसे करके आगे चल के यहाँ क्या है, यहाँ एक रिवर है, ये क्या होने वाली है, ये दोस्तों रिवर होने वाली है मेरी। अब हुआ क्या कि पानी इसके अंदर चला गया, क्या हुआ, पानी भाई ऊपर से आया, सॉइल के, ये सॉइल थी, सॉइल के अंदर चला गया, यहाँ यहाँ पहुंच गया पानी। लेकिन यह हुआ, यहाँ क्या, एक हार्ड स्ट्रेटम मिल गया, यहाँ एक हार्ड स्ट्रेटम मिल गया, या हम कह सकते हैं कोई ऐसी सरफेस मिल गई यहाँ पर सॉइल अब पानी इसे पार नहीं कर पा रहा, वाटर इसे पार नहीं जा पा रहा।
तो उसमें क्या है, हार्ड हार्ड सरफेस मिल गई हमें कोई, ठीक है। तो यहाँ से पानी क्या है भाई, पानी अब अंदर नहीं जा पा रहा, तो पानी क्या करेगा, पानी जो अंदर आया था ना वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, मतलब तो किसी डायरेक्शन में पानी फ्लो करने लग जाएगा, और फ्लो करते करते या तो किसी लेक में मिल जाए, हो सकता है किसी रिवर में या किसी ओशन में मिल जाए, या हो सकता है ऐसे ही फ्लो करता रहे। तो जो हमारा वाटर किसी लेयर के अंदर फ्लो करता रहता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम वाटर साइड लीकेज। ये आगे चल के किसी रिवर या लेक से मिल जाने तो वाला है, लेकिन ये अभी हमारा क्या रहेगा, ये अभी हमारा लॉस रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन सीखी और साथ में देखे जो लॉस होने वाले हैं वो क्या होते हैं हमारे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।